गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल व्लॉग्स विद रौनक। गाइस वो देखो पीछे भूत वाला लाइट, फुल नाइट ऐसे हो रहा था। हमने तो फिलहाल बंद कर दिया था रात को, लेकिन ये पूरा अगर जब भी चालू करूँ ना इसको तो ऐसे ही ब्लिंक हो रहा था। गाइस ऑलमोस्ट 95% मेरा पैकिंग हो चुका है, बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा बाकी है जो पैकिंग करना बाकी है, जैसे लैपटॉप वगैरह है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ 6 फ्लोर पे नाश्ता करने के लिए, एंड उसके बाद मुझे जाना है मुरगांव रेलवे स्टेशन। तो गाइस बुफे तो बहुत बड़ा है, बट हम खाने वाले हैं ओनली ब्रेड बटर, बस और कुछ नहीं, मतलब टोस्ट बटर और कुछ नहीं। तो आ गया अपना नाश्ता, एक नॉर्मल ब्रेड, दो टोस्ट बटर, चाय, एंड चाय इज विदाउट शुगर, थोड़ा शुगर डालेंगे इसके अंदर। करो लॉक, अरे बोलो सर। सर हम सब लोग जा रहे हैं अभी ड्रॉप करने के उनको मड़गांव रेलवे स्टेशन। गाइस कल जब हम ट्रिप पे गए थे ना सुबह सुबह को, मतलब हम लोग जो पैजन घूम रहे थे, तो जहाँ पे मैंने गाड़ी छोड़ दी थी एंड क्लाइन लेके गए थे गाड़ी वापस, तो मैंने ना मेरे ग्लोव बॉक्स में ना ये रख दिया था, एंड इसके बगैर तो अपनी ज़िंदगी अधूरी है। तो मैंने सुबह को ना हेयर कॉम नहीं किया था, ऐसे ही फटाफट हाथ से जितना होगा इतना से करके आया था, क्योंकि फिर नीचे उतरू कैसे बिना ब्रश के, मतलब हेयर ब्रश के। तो फिलहाल अभी चलो पहले ये कर लेने का, क्योंकि भाई जो दिखता है ना भाई वही दिखता है, बराबर। अभी शक्ल इतनी ख़राब हो गई है, क्या करें हम। सो कैसे हम लोग वापस होटल पहुँच चुके हैं, लेकिन गाड़ी आज हमने बाहर पार्क की, क्योंकि आज होटल में बहुत बड़ा फंक्शन है, तो पूरा पार्किंग फुल हो चुका है। बाहर भी मतलब देखो वो रहा सामने होटल, वहाँ पे भी पूरा पार्किंग फुल हो गया है। तो अभी हम लोग आ गए गली में यहाँ पे गाड़ी पार्क करने को। तो गए सुबह के बजे है 10:05, मतलब 10 बजे। अभी हम निकल रहे हैं वापस टू गो टू मुंबई। तो फिलहाल तो गाड़ी यहाँ से लेकर आते हैं होटल के अंदर, सामान लोड करते हैं गाड़ी में। अभी हम पहुँच चुके हैं होटल में, अभी बस सामान के लिए वेट कर रहे हैं, सर चेकआउट कर रहे थे। तो एक्चुअली दो रूम का इतना लगे जाना, तो बंदा ट्रॉली लेके आ रहा था ऊपर, तो सब सामान लेके नीचे आए गए। थोड़ा सा पेमेंट करना बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाना मंगवाया था एंड वगैरह वगैरह होगा, तो वो सब करने के बाद है ना गाड़ी में सामान डाल देंगे, एंड फिर ऑन द वे ना हमको मार्केट से कुछ सामान पिकअप भी करना है। तो ये सब करते करते हम लोग निकले गए टू मुंबई वाया आंबोली घाट। हम लोग लास्ट टाइम जो घाट से आया था ना गाइस, तो वो घाट है ना बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के नेचर के थ्रू से था। तो क्लाइंट कह रहे थे कि भाई अभी वहाँ से नहीं आना बिकॉज रास्ते बहुत ख़राब है, तो दिस टाइम लेट्स ट्राई फ्रॉम आंबोली घाट। तो मैंने ऋषि से भी बात किया था, इवन ही टोल्ड मी कि भाई आंबोली घाट इज़ द बेस्ट, एंड इवन माई ब्रदर इन लॉ ने कहा कि भाई आप आंबोली घाट से ही जाओ रौनक, दैट इज मच बेटर। तो अभी आंबोली घाट से ही जाएगी हम लोग, एंड गाड़ी थोड़ी अनटाइडी हो गई है बिकॉज 5 दिन से गाड़ी धोई नहीं है, यहाँ पे बारिश थी प्लस फंक्शन था, तो टाइम नहीं मिल रहा था हम लोग को। सो कई गाड़ी में सब सामान लोड कर दिया है, एंड बस अभी सर आने के लिए सर अंदर है, कुछ बिल्डिंग का काम है वो ख़त्म करके निकलते हैं टू गो टू द मार्केट फर्स्ट। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घाट के ऊपर है, मतलब घाट चालू होगा अभी, गोवा बॉर्डर ख़त्म होने की तैयारी है, एंड महाराष्ट्र बॉर्डर लगेगा, महाराष्ट्र नहीं शायद कर्नाटक बॉर्डर लगेगा। एंड अभी हम लोग है HP के पेट्रोल पंप पे, फिलहाल तो यहाँ पे टैंक फुल कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे डीजल का रेट है ना वेरी 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 चीप, 89.89 है इन गोवा। तो हमने जब मुंबई से लिया था ये पाउच HP का, तो हम लोग ये इसमें एक ही पाउच डालने वाले बिकॉज ये 40 ml का पाउच है, इससे गाड़ी का इंजन बहुत फ्री चलता है एंड आई रियली लाइक इट। तो अभी मैं जब अपनी खर्चा लेकर जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, सॉरी ये मंथ एंडिंग में बैंगलोर जाने वाला हूँ, अभी 99% तो मेरी गाड़ी जाने वाली है, तो अगर जाएंगे तो तभी भी मैं यही डालने वाला अपनी गाड़ी पे। भाई बादल देखो क्या बादल छाए हुए हैं यार, मुझे पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, आई विश बारिश हो जाए, क्योंकि आज के जर्नी लास्ट है गोवा में, एंड आई एम गोना रियली मिस गोवा, बहुत ही मज़ा आया गोवा में इस बार।
अपने बहन को मिला 11 साल के बाद, मतलब उसके घर पे गया एंड सर के साथ घूमने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। तभी हम लोग है ना फिर से वाइल्ड लाइफ में आ गए हैं एंड रुके ये देखो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का साइन बोर्ड दिया है कि गाड़ी से बाहर उतरने का नहीं, अगर उतर गए ना तो फिर तकलीफ में आप आ सकते हो। गाय बहुत ही बढ़िया नेचर है, बहुत बढ़िया रास्ता है, मज़ा आ रहा है। मतलब आप राइट साइड पे देखोगे ना, आपको देखा था अभी आगे सारे पेड़ है ना जो कटे हुए हैं या जो गिरे हुए हैं ना आधे लटक रहे हैं, तो बहुत ही देखो यहाँ पे है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली कि नहीं, बट सारे ना वो एक तरफ झुक गए हैं एंड इतना बढ़िया नज़ारा है, इतना बढ़िया नज़ारा। आगे ना फिर से घाट चालू होगा, मतलब घाट चालू हो गया है लेकिन आगे ना एकदम ही ज़्यादा लेफ्ट राइट है, तो एकदम कॉशियसली चलाना पड़ेगा। एंड कुछ कुछ जगह पे ना वाटरफॉल भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो फिलहाल देखो यहाँ पे पानी बहुत कम था, कुछ कुछ जगह पे पानी बहुत ज़्यादा है। गीला नहीं होना चाहिए, अरे उधर ही रास्ता मैं क्या घूम घूम के जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं ये होटल में जा रहा हूँ, पूछने आया कि भाई खाने के लिए क्या मिलेगा। मैं भाई बहुत ज़्यादा घूम के आ गया हूँ, ये से रास्ते से आने के लिए पूरा घूम के आ गया हूँ। कैसे हम लोग वहाँ पर रुके नहीं, हम लोग आगे जाके कहीं कुछ खाए गए एंड कैसे रास्ता ना कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। ये देखो ये इतना बड़ा टास्क है ना गाड़ी को यहाँ से निकालने का। हम जाएंगे भैंस के पीछे, वो एस्कॉर्ट कर रही है, यहाँ से प्रॉपर रास्ता दिखा दिया। देखो रास्ते की हालत, कंटल गए रे, कंटल गए, बहुत रास्ता खराब है, बहुत कुछ जगह पर रास्ता एकदम बढ़िया है, कुछ जगह पर फिर तो रास्ता एकदम खराब रहता है, एकदम खराब। गाड़ी की हालत देखो, सामने से ट्रक बका रही है, उन लोगों को भी रुका के रखना पड़ रहा है। गाइस अभी बजे दोपहर के 2:30 एंड वी हैव रीच बेलगांव राइट नाउ कर्नाटक बॉर्डर पे। एंड बस अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने वाले हैं, होटल रामदेव करके हैं, तो यहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए, लंच करने के बाद वापस निकल जाएंगे टू होटल। देखो ये है पंचवटी प्योर वेज, इनका ये है होटल रामदेव का, तो बस अभी जाते हैं लंच करते हैं। सर आए, बाकी सब तो अंदर चले गए हैं, मैं गाड़ी पार्क करने में बहुत दूर गया था। तो गाइस फाइनली हमारा लंच हो चुका है एंड गाइस सर्विस क्या फास्ट सर्विस है, पता हम लोग ने ऑर्डर किया एंड हार्डली 3 मिनट में तो खाना आ भी गया। पहले तो मुझे लगा साला किसी और का खाना हम लोग को दे दिया, लेकिन देख रहा था बाकी सब टेबल पे तो सबको खाना बहुत फटाफट डिलीवर हो रहा था, वो सर्विस बहुत फास्ट था प्लस खाना भी बहुत अच्छा था। अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं टू गो टू मुंबई और हम लोग को ना बीच में से ना वी वॉन्टेड टू हैव सम स्वीट्स लाइक पीपल मिंट कुछ, ताकि अगर चालू गाड़ी में मुझे कभी नींद भी आए ऐसा आई फील लाइक स्लीपी तो वो मैं खा सकूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं रहा था। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी में बैठते हैं एंड बाहर जाते हैं ऑन द मेन रोड कहीं पे एंड कहीं से कुछ दिखेगा ना तो वी विल टेक फ्यू ऑफ चॉकलेट्स एंड पीपल एंड मिंट एंड वगैरह वगैरह, वो जो भी है बहुत इंग्लिश बोल दिया बस अभी। तो क्या अभी हम लोग निकल ही रहे थे एंड मैंने अभी स्टोरी अपलोड किया था ऑन इंस्टाग्राम एंड वो देखे ना हमारे भाई, अपना नाम मोहिश, वो अब यहीं पर रहते वेलकम। हाँ तो भाई अभी जस्ट मिलने के लिए आए थे हमको यहाँ पे एंड पता है मतलब मैंने जस्ट गाड़ी बाहर निकाली, मैं गेट से जस्ट बाहर आया एंड उन्होंने अपने आके बाबा पास की, मतलब हार्डली 5 सेकंड भी लेट होता ना तो चल हम मिल नहीं पाते इस बार। एनीवे गाइस थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच भाई, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मीटिंग यू सर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। सो
गाइस वी हैव फाइनली टच्ड NH-48 राइट नाउ एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेट और डिस्टेंस दिखा रहा है 8.5 घंटे का, मतलब मेरा घर बोरीवली हमको जाना अंधेरी, तो 8 घंटे में अप्रॉक्सीमेट पहुँच जाएंगे। एंड रास्ता देखो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है इस पर, क्योंकि पहले तो हम लोग घाट से आए थे एंड वो रास्ते इतने ख़राब थे आपने देखे थे खड्डे, अभी देखो पूरा एम्प्टी रोड्स। वी हैव क्रॉस कोल्हापुर राइट नाउ एंड अभी टोल आएगा कोल्हापुर के सेकेंड टोल। तो यहाँ पे ना बारिश चालू हो गई है, कुछ कुछ जगह पे बहुत जोर से बारिश हो रही थी एंड अभी या तो हल्की फुल्की बारिश है, हल्की फुल्की ना वाइपर अभी मैं सेकेंड पे चला रहा हूँ। ये देखो कोल्हापुर का नाम लिया सेकेंड टोल एंड आ गया ट्रैफिक, देखते हैं क्या सीन आगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले सातारा, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 10-15 किलोमीटर है, फिर हम लोग लेने वाले एक मस्त टी ब्रेक। मिस्टेक होगी अपने से, कराड़ हम लोग रुके हैं, सातारा बहुत है यहाँ से, कराड़ा इधर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे होटल है, होटल संगम करके हम लोग थे, यहाँ पे रुके हैं चाइना शकर में। देखो गाइस हमने ऑर्डर किया है 1 प्लेट कांदा भजी, सॉरी 2 प्लेट कांदा भजी और ब्रेड बटर चाय अभी आएगी, तो ब्रेड बटर चाय एंड कांदा भजी। सो गाइस जस्ट मेरा ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हुआ एंड अभी मैं चला था अपनी गाड़ी के पास, वहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे मैंने देखा है कि चार्जिंग स्टेशन लगा है इन लोग ने, ताकि इलेक्ट्रिक कार्स जो भी है ना उनका चार्जिंग यहाँ पे अच्छे से हो जाए। सो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव, ताकि जो इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे आती है, जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं उनको तकलीफ ना हो। फाइनली वी हैव कम ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एंड अभी बजे है शाम रात के 9:05 और अभी गैस के मुंबई पहुँचते पहुँचते अप्रॉक्सीमेट 10:30-11 तो आराम से हो जाएगा। गाइस बारिश देखो क्या तेज़ बारिश हो गई है, कितनी तेज़ बारिश है। तो गाइस अभी बजे है रात के 10 एंड अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पम्प पे एंड यहाँ पे अभी डीजल भर रहे हैं, 92 रुपीज़ का रेट है वो हमें 88 था, यहाँ पे 92, मुंबई के अंदर 94 है। सो गाइस हमें पहुँच चुके हैं अभी अंधेरी ईस्ट एंड टाइम इज 11:35, अभी सब सामान अनलोड करेंगे एंड मेरी गाड़ी भी हमें आने वाली इनोवा क्रिस्टा इसे भी लेके आता रहेगा 5 मिनट में। गाइस फिलहाल तो मैंने सब सामान निकाल दिया है, चार्जर मेरा ये एंड बाइक्स मैंने यहाँ पे रखा है, ऋषि भाई साहब पता नहीं कहाँ अटक गए, आई गेस अभी आ जाएगा 2-4 मिनट में, क्योंकि वो आया था जो रूट से ना वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है। भाई जर्नी में तो बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा एंड आज का जो ट्रिप था ना वो इतना ईजी था, मतलब आज का जो ड्राइव था ना इतना पता नहीं चला कब मुंबई आ गया, नहीं तो लास्ट टाइम जब यहाँ से गोवा गया था ना भाई हट लगी थी। ये आ गया हमारे भैया, वैसे बजे रात के 12 एंड हमारे ऋषि भाई ना 3 दिन से गाड़ी धोया है और डीजल देखो गाड़ी में कितने साले दिखा, और दिखाते हम दिखाएंगे 12 किलोमीटर चलेगी सिर्फ गाड़ी हमारी, मैंने से इसलिए रुका था वो कि जैसे मैं आऊँ और साला आपने जेब से पैसे चाहिए, और इस पैसे ही नहीं है भाई, खत्म हो गए। ओला में घर पे चला गया था, अच्छा था ना गाड़ी चलाना पड़ता था, बहुत सही था, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अभी हम लोग आए सांता क्रूज ईस्ट में, ऋषि को ड्रॉप करूँगा, पहले तो मुझे यहाँ पे चाय पीने वाले एक कप चाय गर्मा गर्म, बहुत ब्लैक हो रहा है, बहुत ब्लैक है।
गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपनी इनोवा क्रिस्टा में। गाइस ये गाड़ी में बैठने में जो अलग एक अलग ही मजा है यार, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता था यार। चलो अभी गाड़ी चालू करते हैं यार, कितने टाइम के बाद मैं अपनी कार को देख रहा हूँ। चलो गाइस अभी निकलते हैं टू गो टू बोरीवली। बारिश बहुत जोर से हो रही है गाइस, बहुत जोर से, एंड आई डोंट नो यार मैं गाड़ी चलाऊ भगाऊ या उड़ाऊ यार, मतलब बहुत खुश हूँ यार, बहुत टाइम के बाद क्रिस्टा चला रहा हूँ वापस अपनी। अभी जो आगे बहुत सारी ट्रिप्स हैं मेरी, मैं आपको ना आगे आगे ब्लॉग में बताते रहूँगा। तो चलो अभी जाते हैं टुवर्ड्स बोरीवली। सो गाइस सॉरी थोड़ा गला खराब था। तो गाइस बताओ अभी कैसा लग रहा है इनोवा क्रिस्टा में बैठ के, मतलब बैठ तो मैं रहा हूँ लेकिन फील शायद आप लोग को भी आ रहा होगा, है ना, ये डैशबोर्ड, ये स्टीयरिंग। चलो गाइस थोड़ा टाइम बाकी है घर पहुँचने के लिए, उसके बाद है ना भाई जो मैं सोने वाला हूँ, जो खर्राटा मार के सोऊंगा ना भाई पूछो मत, सुबह को तो पता नहीं कितने बजे उठूँगा भाई। मराजो एंड क्रिस्टा के पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार, मतलब मैं इसको इको मोड चला रहा हूँ ना इनोवा क्रिस्टा का, भी मुझे इसका पावर इतना ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है ना, मतलब अभी तो मैं देखो इसके पहले जब मैं मराजो चला रहा था ना उसका पावर मोड, मतलब इको मोड था और एक इको मोड ऑफ था, बस इतना ही था उसके ऑप्शन। तो इको मोड ऑफ करके जब मैं गाड़ी को फुल पंच करता था ना, फुल पंच, तो भी भाई इतना पावर नहीं था वो गाड़ी में, ऐसा लग रहा कि भाई थोड़ा टाइम रुको हो जाएगा, लेकिन नहीं वैसा फील नहीं आ रहा था भाई। लेकिन इसके बाद अभी क्रिस्टा चलाई ना मैंने, थोड़ा सा भी एक्सलेशन देता हूँ ना भाई गाड़ी जो ऐसा कहती है कि भाई चलो अभी हम आपको लेके जाते हैं वापस फिर से गोवा, मज़ा आ रहा है यार। अभी नेक्स्ट टाइम सर ने कहा कि भाई तेरी कार में जाएगी वापस, तभी और मज़ा करेंगे हम। तो कर मैं पहुँच चुका हूँ बोरीवली, एंड देखो मैंने गाड़ी सामने पार्क की थी, प्रेम ने कहा कि भाई गाड़ी वहाँ पर पार्क मत करो, गाड़ी नहीं यहाँ पर लग जाएगी इतने में, तो यहाँ पर पार्क कर लो। तो वो गाड़ी लेके आ रहा वापस रिवर्स में यहाँ पता नहीं थोड़ा घूम के आएगा शायद। गाइस गाड़ी का एक टी लाइट का बल्ब ना उड़ गया शायद, यस गाइस उड़ गया है। फिर अभी गाड़ी जाएगी सर्विस के लिए ना, तो तभी वो लोग सब कर लेंगे बराबर इसको। देखो लेफ्ट साइड का एक बल्ब उड़ गया है। व्हाट हैपेंस, व्हाट, व्हाई यू वाइपिंग मी, गुस्सा आया वैसे इसको भी भाई, बल्ब भड़क गया मेरे पे। व्हाट हैपेंस, शेकन फर्स्ट, नो महा कसम ऐसे 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 जंगली, यू आर नॉट जंगली, ओके यू आर अ गुड बॉय, हु आर यू मम्मी ने, हु आर यू स्पीक, ओके ओके। चलो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, सुबह को 6 बजे उठा था। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल दैट टाइम प्लीज़।